मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की कोतवाली में हुई पत्थरबाजी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के खिलाफ जिला प्रशासन ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। उसके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे पहले करीब 10 करोड़ रुपए से बनाई गई उसकी हवेली को ध्वस्त किया जा चुका है। 21 अगस्त को हुई इस घटना के बाद से पुलिस आरोपी शहजाद अली को लगातार तलाश कर रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं आरोपी देश छोड़कर ना चला जाए, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। छतरपुर के एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपी शहजाद अली को पकड़ने के लिए पुलिस पिछले 4 दिनों से प्रयास कर रही है। चूंकि शहजाद अली के संबंध अन्य देशों में भी है, इसलिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। उसके संभावित ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे पहले करीब 10 करोड़ रुपए से बनाई गई उसकी हवेली को ध्वस्त किया जा चुका है। 21 अगस्त को हुई इस घटना के बाद से पुलिस आरोपी शहजाद अली को लगातार तलाश कर रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं आरोपी देश छोड़कर ना चला जाए, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बता दें, छतरपुर जिले की कोतवाली थाने पर किए गए पथराव मामले में मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपए की हवेली को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के कई बड़े नेता हाजी शहजाद अली के पक्ष में उतर आए हैं। बता दें, मामले पर शहजाद अली ने भी एक वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया जाहिर की थी। बताया गया है कि शहजाद अली के जिस घर को गिराया गया वो करीब करीब 10 करोड़ का था। हवेली के साथ साथ 3 गाड़ियों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया था। पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है, और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिल करके कार्रवाई की है। जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और कानून व्यवस्था सामान्य है।